दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और दोस्तों आपके एडसेंस अकाउंट में बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ गया है और वहां पर दोस्तों जैसे ही आप बैंक ऐड करने जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विफ्ट कोड, और वो आप कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों स्विफ्ट कोड जो है वो डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट लोगे आप अपने बैंक में तो उसके लिए दोस्तों स्विफ्ट कोड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्विफ्ट कोड को पता करोगे, किसी भी बैंक के स्विफ्ट कोड को आप जान सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मेरा नाम इंतखाब और आपका मेरे चैनल आईएएससी टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और मोनेटाइज करने के बाद आप जैसे ही बैंक ऐड करेंगे तो दोस्तों वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विफ्ट कोड का। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड अब कैसे पता करना है और आप कैसे एंटर करेंगे? तो दोस्तों स्विफ्ट कोड पता करने के लिए एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाएं और वहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। लेकिन दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, अगर आपकी ब्रांच जो भी आपका बैंक है वो गांव में है, बहुत सारे दोस्तों जो गांव में बैंक होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड क्या है, और वो दोस्तों आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हमें स्विफ्ट कोड नहीं पता है, आप जाइए यहां से। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपके बैंक का मैनेजर ही आपको मना कर देता है कि स्विफ्ट कोड हमें नहीं पता है, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट कोड जो होता है वो किसी मेन ब्रांच का होता है, ना कि दोस्तों किसी छोटी ब्रांच का जो कि दोस्तों गांव में या किसी कस्बे में ओपन होती है, उनका दोस्तों कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो हर किसी मैनेजर को या छोटे जो बैंक होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कभी कभी, तो इस तरह से वो मना कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप कैसे पता करेंगे स्विफ्ट कोड को, वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों किसी भी बैंक के स्विफ्ट कोड को निकालने के लिए या पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ये मैं कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। दोस्तों जैसे ही आप स्विफ्ट कोड फाइंडर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट पे ही दिखाई देगा स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स। दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे चले जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको अपनी कंट्री चूज करनी है। जैसे कि दोस्तों मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया चूज कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये दोस्तों आ गया है इंडिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाना है और जो भी दोस्तों आपका बैंक है तो यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI दोस्तों मैं चूज कर लेता हूं। तो ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको थर्ड नंबर पे जाना है और जो भी आपका जिला है, जो भी आपके नियर में जिला पड़ता है दोस्तों, उसी जिले को उसी डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज करना है, या जो भी आपके पास में नाम है वही आपको चूज करना है। जैसे दोस्तों अगर आप यूपी से हैं और यूपी में मेरठ से हैं तो, या मेरठ के किसी आसपास के गांव से हैं तो दोस्तों आपका ज़िला जो मेरठ है वो मेरठ ही पड़ता होगा, क्योंकि दोस्तों आपके गांव का नाम यहां पर शो नहीं होगा। तो आपको अपने नियर बाय जो भी है ज़िला, या जो भी आपके पास में कोई ज़िला है या कस्बा है जो आपको इस लिस्ट में शो हो रहा है वही आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर मेरठ चूज़ कर लेता हूँ। मेरठ चूज़ करने के बाद मैं आपको यूपी वालों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर दोस्तों मैं फर्स्ट वाला चूज़ करूँ, ये देखिएगा, तो फर्स्ट वाला दोस्तों नियर बाय पड़ेगा ब्रिज रोड गंगा प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एड्रेस देख सकते हैं आप। अगर दोस्तों आपके ये वाला पास पड़ रहा है तो आप ये वाला चूज करें, अदरवाइज दोस्तों दूसरा वाला भी है यहाँ पे, तो ये दूसरा वाला जो है ये दूसरा एड्रेस आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट प्रतापपुर A4 फ्लोर 1 इंडस्ट्रियल स्टेट प्रतापपुर। तो दोस्तों ये उन बंदों के लिए जो प्रतापपुर जिनके लिए पास पड़ता है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं स्विफ्ट कोड को बहुत ही आसानी से। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलता हूं फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।